इटावा कोटा से खबर सुरेश पारेता की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण में चल रही अवैध शराब की ब्रांच को बंद करने के संबंध में आईजी के नाम सौंपा ज्ञापन। सुरेश पारेता। इटावा कोटा अवैध शराब की दुकानों के संबंध में सुल्तानपुर ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों द्वारा कोटा ग्रामीण में चल रही अवैध शराब की ब्रांच को बंद करने के संबंध में कोटा रेंज आईजी कोटा के नाम सुल्तानपुर थाने में सुल्तानपुर थाना अधिकारी के जरिए ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सभी जनप्रतिनिधि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए, उसके बाद सामूहिक रूप से बैठक आयोजित कर हाथों में तकतिया लेकर नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे। 7 दिनों के भीतर इन सभी दुकानों को बंद नहीं करवाया गया तो यहां क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि दीगोद उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में जिला परिषद सदस्य हेमंत मीना, सरपंच नीरज नागर, उप प्रधान नरेश नरुका, पूर्व सरपंच रवि प्रताप सिंह चंदा, सत्यनारायण वर्मा, सरपंच संतोष बेरवा, सरपंच चंपा बाई, प्रेम शंकर मीना, रामावतार शर्मा सुल्तानपुर, समाज सेवी लोकेश तिवारी, कपिल शर्मा, दिलीप शर्मा सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि एवं युवा साथी मौजूद रहे।